हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह से मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह का 8:30 और सुमित ने मुझे ये पत्ता लेके दिया है। ये पत्ता कौन सा पत्ता है पता है? ये बाकुश पाता है। बंगाली में इस पत्ते के नाम बाकुश पाता से मुझे पता है कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो एनीवे ये पत्ता मुझे ला के दिया है। इस पत्ते को मैं अच्छे से छाट कर, जो कीड़े वगैरह रहते हैं ना, वो सब छाट के मैं अलग से रख दूँगी और अच्छे से वॉश कर लूँगी। इस पत्ते को ना 7 से 8 जितना बार हो सके तो आप धो लीजिए, क्योंकि इस पत्ते में ना देख सकते हैं ऐसे ऐसे कीड़े रहते हैं पीछे पीछे। तो ऐसे मैं अच्छे से देख लूँगी और उसके बाद अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं क्या करूँगी, चलिए आगे देखते हैं और बताते हैं। बाकुश पाता के मैं धोकर लेके आ चुकी हूँ और अभी इसको ना मैं अच्छे से काट लूँगी। काटने से पहले मैं बता दूँ, इसका एक मैं ना काढ़ा बनाऊँगी। तो काढ़ा बनाने के लिए मेरे घर में जो अवेलेबल था वही मैं डाल रही हूँ। इसमें अदरक मैं डालूँगी। आपके घर में अगर लौंग हो, काली इलायची, काली नमक ये सब होगा तो आप इसमें डालकर इसको उबाल सकते हैं। ये ना बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेगा ये बाकुश पाता का। बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम होते हैं ना इस टाइम पर, इसीलिए। और जैसे कि मॉनसून सीजन है, ये तो सर्दी खांसी जुकाम लगा रहता है ये हर किसी के घर में। अगर आप ये काढ़ा को बनाकर पीते हैं तो आपके जो सर्दी खांसी, जो पुराना वाला जो खांसी रहता है, जुकाम रहता है, वो सब चला जाता है। बहुत फ़ायदेमंद काढ़ा है फ्रेंड। ये मेरे पापा से मैंने सीखा है। मेरे पापा ने इसे बताया था कैसे खाना है क्या नहीं। मैं बचपन में ऐसे अक्सर खाती थी बरसात के मौसम में। तो एनीवे मेरा तो काटना हो चुका है, तो अभी मैं इसको उबालूंगी। तो इसमें पानी दे दूंगी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसे बाकुश पाता कहते हैं। अदरक और 2 से 4 मैं लौंग दे दूंगी इसमें। इसको उबालना है, बहुत देर तक उबालना है, तो इसका रेड कलर का पूरा पानी हो जाएगा। अभी भी मैं इसमें बहुत पानी दूंगी और हाई फ्लेम पे मैं इसे इसको उबालूंगी। तो ये जब सर्दी जुकाम होता है ना, ये पत्ता शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सुमित मुझे सुबह सुबह ला के दिया है, तो वही मैं काट के धोकर मैंने चढ़ा दिया है। बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है ना, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा भोला फिश और इल्सा फिश भी है, दो तरह का महाज है एक ही बर्तन में। एनीवे तो चलिए आज मैं भोला फिश करी बनाऊंगी कुछ अलग तरीके से। यानी कि मैं जैसे कि पहले बनाती थी अदरक लहसुन देकर, आज बनाऊंगी मस्टर्ड देकर। तो सबसे पहले मैं फिश को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, मेरा काढ़ा खोलना स्टार्ट हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ऐसा लग रहा है ना पत्ते से खून निकल रहा है। तो पत्ते को भी मैं उबाल रही हूँ इस टाइप पे। मैं इस तरफ पे मैं फ्राई भी कर रही हूँ फिश को। दोनों तरफ मैं कुकिंग कर रही हूँ और फिश मेरा थोड़ा पलटा देती हूँ क्योंकि फ्राई हो चुका है एक साइड से। इस फिश को ना थोड़ा सा कड़क फ्राई करने में ना अच्छा होता है, क्योंकि ये खाने में ना बहुत टेस्टी होता है। अगर आप कड़क फ्राई करेंगे ना तो इसका बोन भी खाने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इससे फिश का हेड भी ले लिया है मैंने, क्योंकि दूसरा रेसिपी बनाऊंगी ये पूछ शाक दे के बनाऊंगी, जो हम लोग का घर में जो उगाया था, प्लांट नहीं है, पौधा, उसका ही आज साग बनाऊँगी इल्सा फिश देकर। तो ये इल्सा फिश मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ये आज मैं कुक नहीं करूँगी, तो इसीलिए मैं फ्रिज में रखने के लिए जा रही हूँ। तो फिर मेरा सभी फिश फ्राई हो चुका है। तो ये आखिरी बचा हुआ था, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ कढ़ाई से, क्योंकि मैं अभी बनाऊँगी पुई साग की सब्ज़ी। बहुत डिलीशियस बनता है इल्सा फिश का हेड देकर। तो मैं ऑयल में दे दूँगी 2 सूखी लाल मिर्च, उसके बाद मैं दूँगी जीरा, तेज़पत्ता, ये सब देने के बाद मैं इसमें दे दूँगी जो कटा हुआ सब्ज़ी है ना, उसे भी दे दूँगी। ये थोड़ा सा चटक जाए उसके बाद, ये देखिए
मैं यहाँ पर काट के रख दिया था। बैगन और आलू है फ्रेंड इसमें, और पुईसक का जो डंठल है वो देकर मैं थोड़ी देर तक इसे चलाऊंगी, थोड़ा देर तक। और मेरा इस तरफ में करा भी मैंने चढ़ा दिया है, जैसे कि आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए इसका कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस तरफ मैं सब्जी भी बना रही हूँ, तो चलिए सब्जी बनाते हैं। तो फिर मेरा सब्जी ऑलमोस्ट हल्का सा भुन चुका है, तो अभी ना हल्का सा चला लूँगी और थोड़ा सा नमक दे दूँगी, क्योंकि नमक अगर नहीं दूँगी ना तो थोड़ा सा नरम नहीं होता है, तो इसीलिए गैस की फ्लेम थोड़ा सा कम करके अभी मैं थोड़ा सा नमक देकर इसको चलाऊँगी। तो फिर मेरा सब्जी ऑलमोस्ट भून चुका है, तो अब इसमें मसाला ऐड कर दूंगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक थोड़ा सा पेस्ट दूंगी। हाँ, देने के बाद इसको हल्का सा फिर से चलाऊंगी। और अभी गैस के फ्लेम थोड़ा सा धीमी रखा है फ्रेंड, सॉरी अभी डकर आया, क्योंकि मैं सुबह के टाइम मैं इसे एडिट कर रही हूँ ना, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं एडिट करने के लिए बैठी हूँ। तो बस जैसे कि देखा आपने, मैंने अदरक पेस्ट दे दिया है, अभी लाल मिर्च पाउडर दे रही हूँ। ये ना रेड चिली पाउडर, ये कलर होता है, इसका तीखा नहीं होता है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब्जी का कलर बहुत सुंदर दिखने को मिलता है इसीलिए। और इस तरफ चलिए देखते हैं मेरा काढ़ा क्या कह रहे हैं। तो देखिए मेरा काढ़ा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो गैस थोड़ा सा मैं हाई करके अभी लो में कर दूँगी, और देख सकते हैं कितना उबल रहा है और ब्यूटीफुल कलर आया है सब्जी का भी, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, येलो ग्रीन मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए लीड लगा लेती हूँ, और 5 मिनट के बाद आके देखने के बाद देखिए मेरा सब्जी बहुत हद तक नरम हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी इसमें कुलमी साग की जो पत्ती है ना इसमें दे दूँगी, क्योंकि मैंने अभी इसमें पानी ऐड नहीं किया है, तो पत्ते देने के बाद ना इसमें से पानी निकलते हैं, तो इसीलिए। तो अभी इसको हल्का सा चला दूँगी, उसके बाद ढक्कन लगाकर फिर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और अभी धीमी आंच पर करना है, क्योंकि मैंने सूखा मसाला ऐड किया है, उसके बाद कोई भी पानी ऐड नहीं किया है इसीलिए, ठीक है। तो फिर देखिए मेरा काढ़ा बनकर रेडी हो चुका है, तो अभी इसको मैं बंद कर दूंगी गैस को, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको छानकर एक बोतल या कांच का कुछ भी सामान जगह पे आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, और सुबह उठकर खाली पेट इसे एक ग्लास पीने से छोटा कप पीने से भी काम चल जाता है, सर्दी खांसी जुकाम ये नहीं आता है, ये बरसात के मौसम में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। चलो मेरा तो काढ़ा तो बन चुका है, और इधर मैंने पुई साग भी चढ़ा दिया है। आज मैं इंसा फिस का जो हेड होता है ना, ये जो इंसा फिस का हेड है ये देकर पुई साग बना रही हूँ, और भोला फिस करी बनाऊंगी वो भी सरसों देकर, मास्टर जो होता है ना वो देकर, मैंने मास्टर भी पीस के रख लिया है। ये देखिए इसमें इसको इसमें भी थोड़ा सा दे दूंगी पुई साग की सब्जी में। अब ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, तो अभी गैस के फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दूंगी। इसे भी ढक्कन लगा दूंगी, ढक्कन लगा के थोड़ी देर तक मैं इसे छोड़ूंगी, अभी आज के फ्लेम थोड़ा सा धीमी कर रही हूँ, बाकी का काम कर लेती हूँ। ये जो लाल भाजी है इसको मैं काट के फ्रिज में रख दूंगी कल के लिए, क्योंकि आज ऑलरेडी एक साग हो रहा है, इसीलिए इतना साग खाने से हो जाएगा, तो ऐसे गुच्छा बना लेती हूँ पहले मैं। पहले
उसके पास काटने में क्या होता है आसानी होती है, इसीलिए। आलू मेरा गल चुका है तो इसमें जो ईलसा फिश का हेड है दे दूंगी, ठीक है। और फिर से ढक्कन लगा दूंगी। मैंने राइस भी चढ़ा दिया है इस तरफ, ठीक है। गैस के फ्लेम थोड़ा सा धीमी है। किचन से मैं थोड़ा सा रूम पे आ गई हूँ, बेडरूम पे। बहुत गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा है। तो मेरा काढ़ा रेडी हो चुका है, देखिए पूरा ब्लड लग रहा है ना। अभी से एक घूंट पे पीना है। बहुत बेकार खाने में है टेस्ट, इसका टेस्ट करके बताती हूँ। इसका टेस्ट कितना खराब है। तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का गुनगुना था, पी लिया मैंने। अभी इसको छान कर मैंने अलग से रख दिया है। और अभी 12:30 बज चुके हैं। मेरा कोलमी साग का सब्जी, कोलमी साग नहीं, पूरी साग का सब्जी हो रहा है। तो चलिए फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। देखिए मैं इतना स्वेटिंग कर रही हूँ, स्वेटिंग हो रहा है मेरा, क्या बताऊँ। जानती हूँ कितना दूर तक है मेरा कोलमी साग नहीं, स्टूपी पुई साग। तो देखते हैं, ये सिर्फ ना तोड़ देना है। ऐसे तोड़ दिया मैंने, फ्लेवर आ रहा है। देखते हैं नमक ठीक है कि नहीं। खराब पिया ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नमक हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा शायद लगेगा नमक। कड़ा की वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है, फिर भी मैंने नमक दे दिया है। तो थोड़ा सा ये और सूखा होगा, और थोड़ा सा उसके बाद मैं इसे उतार लूंगी। आप चाहे तो इस स्टेज पे भी उतर सकते हैं, यानी कि मेरा साग तो बन चुका है, ठीक है। नहीं, मैं अभी उतार लेती हूँ इसे, ठीक है। चलो कि इसी स्टेज पर मैं उतार लूंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा सूखा होगा तो खा नहीं पाऊंगी। साग बनकर रेडी हो चुका है, मैं एक बोल पे मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया है। अभी इस गोला फिश को बनाऊंगी, मास्टर्ड देकर बनाऊंगी। तो इसमें मास्टर्ड मैंने पीस कर रख दिया था, इसे पानी ऐड कर देती हूँ। सेम कढ़ाई में बनाऊंगी। मुझे कढ़ाई थोड़ा सा गरम करना है,
ये पानी सूख जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ कुकिंग करना। चलो मस्टर्ड ऑयल दे देते हैं। ग्रीन चिली घर में नहीं है अवेलेबल, तो इसीलिए मुझे ग्रीन तो नहीं ले पाऊंगी चिली। मस्टर्ड में ऑलरेडी भी इसमें मस्टर्ड जो मैंने पीस के रखा हुआ है ना, इसमें मैंने कल ग्रीन चिली ऐड करके पीस के रखा हुआ है। कल का मेरा स्टॉक में था तो आज ख़त्म हो गया है। 3 दिन मैंने इसे पेस्ट बना के रख दिया था। तो चलो इस ऑयल थोड़ा सा गर्म करूँगी। और मस्टर्ड में जब भी पीसती हूँ नमक देती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा कम ही नमक दूंगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये मस्टर्ड। और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा रेड चिली दे दूंगी, रेड चिली पाउडर। ये कलर वाला रेड चिली है, तीखा वाला नहीं है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये उबाल आ जाए उसके बाद मैं ये फ्राई किया हुआ फिश को ऐड कर दूंगी। देखिए मैंने फिश को 5 मिनट पहले मैं ग्रेवी में दे दिया था, तो मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो मेरा भोला फिश करी भी हो चुका है मस्टर्ड देकर। मेरा राइस भी हो चुका है, राइस का जो पैन है निकालने के लिए मैं इसे दे दिया है। तो अभी मैं पोछा लगाऊंगी घर में, तो थोड़ा सा मेसी हो गया है, तो किचन में भी देख सकते हैं। अभी किचन को ठीक करूंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। बर्तन बाहर रखा हुआ है, बर्तन को भी क्लीन कर लूंगी। देखिए, और सुबह सुबह उठने के बाद ये सब कपड़े धो दिए थे, तो चलो काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड छत पे मैंने कपड़े धोकर दे दिए थे, सब कुछ सूख गया है, तो मैं रूम पे आकर उसके सही करके अलमीरा में सेट कर रही हूँ। तो मेरा नहाना भी हो चुका है, घर का पूरा काम भी हो चुका है। मैं फ्रेश होकर मैं आपसे फिर मिल रही हूँ सामने कैमरे के। तो अभी मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है ना और मेरा फेस बहुत जल रहा था इसीलिए। तो चलिए, और अब कुछ दिखाना है, ये देखिए आपने देखा है 1 रुपए का नोट, ये देखिए। सुनील मुझे ला के दिया है। मैं ऐसे नोटों का ना कलेक्शन करती थी पहले, अभी तो नहीं करती हूँ, लेकिन वो उसको पता था ना, इसीलिए वो लाकर मुझे दे देते हैं। फ्रेंड्स सुबह से मेरा पूरा दिन ऐसे गुजरा, और मैं अभी नहा धोकर आ चुकी हूँ। और अभी ना मैं बिंदी लगाने के लिए बिंदी ढूंढ रही थी, तो वही मैं लगा रही हूँ। और एक दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे चूड़ी कलेक्शन, मेरा मेकअप कलेक्शन, मैं हो सके तो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत दिन से मन था लेकिन हो नहीं पाता है। एनीवे फ्रेंड, मैं सब कुछ काम करने के बाद, नहा धोकर तैयार होने के बाद अभी मैं बैठूंगी थोड़ा सा एडिटिंग का काम करने के लिए। तो आगे का मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी, जिसके लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहूंगी। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर ये ब्लॉग आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर अच्छे लगे तो, मुझे देखना रोज़ डेली लाइफ मेरा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।